हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी आना हियर। तो गाइस, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रिक्वेस्ट मिला है कि शॉपिंग कैसा होता है यहाँ पर जापान में, तो आई एम गोना व्लॉग टुडे। शॉपिंग व्लॉग होगा प्लस थोड़ा सा स्ट्रीट फूड मार्केट दिखाऊंगी आप लोगों को। आई एम गोइंग टुवर्ड्स ओएनओ साइड। वहाँ पर शॉपिंग जो है ना बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाता है कंपेरेटिवली टू टोक्यो शॉपिंग प्लेसेस। एंड ऑल्सो हराजुकू, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कॉस्प्ले आउटफिट्स, अगर आप लोगों को चाहिए ना तो हराजुकू इज़ द प्लेस वेर यू शुड गो फॉर शॉपिंग। तो आज का व्लॉग जो होगा शॉपिंग व्लॉग होगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, मेरा पहुंचते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है एंड एवरीबडी हैव अम्ब्रेला। मैं वेदर फोरकास्ट भी चेक नहीं करके आ गई हूँ और यहाँ बारिश है। बट देन टू माई सरप्राइज, ओ माई गॉड, आई एम लविंग इट। यहाँ पहुँचने के साथ साथ मुझे ये पसंद आ गया। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हेयर। ओकाची माची स्ट्रीट पे है यह, ओएनओ स्टेशन के नेक्स्ट स्टेशन। ओकाची माची स्टेशन पे उतरना है आपको और फिर ये शॉपिंग स्ट्रीट जो है। ओ माई गॉड गाइस, मैं नहीं सोचा था शॉपिंग करूँगी, बट यहाँ आने के बाद आई एम लाइक येलिंग इनसाइड। ओ माई गॉड, इतना कुछ है यहाँ पे। थ्रिफ्ट शॉपिंग इज़ सो इंटरेस्टिंग। ये देखिए, एंड ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि यहाँ पर थ्रिफ्ट शॉपिंग जो है, मतलब वो क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड तो है, बट ऑल ब्रांड्स आर लाइक गुड ब्रांड्स। एंड बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि कपड़ा बहुत ख़राब फटा फूटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम अच्छे अच्छे वाले हैं और टैक्स फ्री भी है। ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। मैं यहाँ पे फिर से आऊँगी, ट्रॉली भर के लेके जाऊँगी सामान। आज तो क्या बोलूँ, बारिश हो गया ना, बट फिर भी आ गई हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को जितना हो सकता है। देर आर लॉट्स ऑफ शॉपिंग प्लेसेस, लग्जरी शॉपिंग भी है यहाँ पर थ्रिफ्ट वाला, प्लस ये सारे कितने सारे इज़ाकाया वगैरह बहुत सारा है, कैफ़ेज़ भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं अभी डोंकी में आ गई हूँ अम्ब्रेला लेने। ये अम्ब्रेला ख़रीद लेती हूँ, उसके बाद ब्लॉग करती हूँ कंटिन्यू। तो गाइस, मैंने अम्ब्रेला ले लिया है, अभी अच्छे से ब्लॉग करूँगी। शेट, अम्ब्रेला लेके आती तो पता नहीं, अभी मैं जापान में आके कितना अम्ब्रेला ख़रीद लिया। कोई कोई अम्ब्रेला तो गायब भी हो गया, कोई कोई अम्ब्रेला कोई दोस्त के घर पर छोड़ दिया, ऐसा करते करते, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है वेदर जो है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हर समय वेदर फोरकास्ट चेक करके निकलना चाहिए बाहर। तो अगर आप लोगों को शॉपिंग करना है ना, प्लीज़ विजिट दिस अमेयोको स्ट्रीट। यहाँ पर आपको ए टू जेड सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज़ वन हेल ऑफ अ शॉपिंग प्लेस, सच में बता रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, लाइक अभी तक मैं ना क्या करती थी, आई यूज़ टू गो ओसाका फॉर शॉपिंग। ऑफकोर्स ओसाका में भी सही है शॉपिंग एरिया जो है, बट टोक्यो में ये मेरा शायद पहली बार शॉपिंग होगा, ये भी स्ट्रीट शॉपिंग। बिकॉज मैंने इससे पहले मॉल वगैरह में जाती थी, जीयू, यूनिक्लो, ये सब में ही जाती थी, बट अभी मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे ओएनओ अमेयोको शॉपिंग स्ट्रीट। अब देखो यहाँ पर जो प्राइस दिया हुआ है 14,960, 12,320, मतलब कि ये प्राइस कितना होता है INR में, 7,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ ऐसा। ये बच्चे लोग स्कूल से आए हैं। बहुत बड़ा डोंकी है यहाँ पर, ये देखिए। मैं तो इंडिया जाने से पहले डोंकी से शॉपिंग करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ लेके जाना है माचा प्रोडक्ट्स इंडिया पे। वेदर भी इतना ठंडा हो गया है इधर जापान में। आई एम वेटिंग फॉर द ऑटम, बट देन आई थिंक विंटर ही आ गया है। नेक्स्ट टाइम मैं ट्रॉली लेके आऊँगी शॉपिंग करने, आज तो बिल्कुल मेरा बजट भी नहीं है, आई एम नॉट रेडी एक्चुअली। मैं बस इसे ब्लॉग करने आई थी, बट बारिश भी हो गया है। बट यस, आई हैव डिस्कवर्ड दिस प्लेस टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग शॉपिंग प्लेस हियर इन जापान।
आज तो वेदर भी खराब, ऊपर से बारिश, ठंडा, और कैसा शॉपिंग करूँ ऐसा हो रहा है। बट फिर भी आ ही गई हूँ तो आई विल शो यू गाइस यहाँ पर कितना फैंसी फैंसी स्टफ्स है, पूरा ओरिजिनल्स एंड क्वालिटी तो टॉप नॉच, लेदर में तो नो कॉम्प्रोमाइज़। ये देखिए बहुत सही सही है। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, बट देन आई वुड सजेस्ट टू थ्रिफ्ट हेयर इन जापान। थ्रिफ्ट स्टोर भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाता है सब सामान जो है। ला 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 ला। ये देखिए यहाँ पर ट्रॉली, ट्रॉली भी बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटीज़ में मिलते हैं। देखिए 9,900, 7,900 yen, 5,990 yen। वाओ ये देखिए फैंसी वाला, क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। ओ वीक भी है यहाँ पे। मेरा बहुत बाल जड़ता है ना, वीक खरीद लूँ क्या? 3,600 yen है, विच विल बी अराउंड 1,600-1,700 rupees। देखिए प्राइसेस बहुत अच्छा अच्छा है। ओ माय गॉड नास्टी थिंग्स हियर। ये देखिए यहाँ पर पूरा न्यूड कपड़े हैं, पता नहीं कौन भी पहनते होंगे ये सब। हेल नो लुक एट दिस। तो जापान में ये सब कल्चर जो है ना, इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक वेरी नॉर्मलाइज्ड हियर। आपको 7-Eleven स्टोर पे भी घुसते भी आपको ऐसा न्यूड मैगजीन्स दिख जाएंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल हियर यहाँ पे, मतलब चलता है ऐसा। एक्चुअली ये बारिश की वजह से ना मुझे एकदम मस्त मस्त से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में छतरी पकड़ना पड़ रहा है। अभी मैं फ़ोन से व्लॉग करूँ या कैमरा से व्लॉग करूँ ऐसा भी हालत हो रहा है, तो इसीलिए कोई नहीं। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस व्लॉग, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी बारिश हो गया तो ये टेबल चेयर ऐसा उठा दिया और सारे लोग अंदर चले गए। वेरी नाइस इट इज हियर। ये देखिए इज़ाकाया जैसा बहुत सारा है यहाँ पर, लोग आके खा पी रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर आप लोग इंट्रोवर्ट है और ज़्यादा दोस्ती नहीं चाहिए, यू लाइक योर ओन कंपनी, देन ऑल्सो दिस प्लेस इज़ फॉर यू। सो या, और अदरवाइज इफ यू हैव अ जॉब एंड यू आर हैप्पी विथ योर जॉब एंड यू कैन बैलेंस योर जॉब लाइफ एंड सोशल लाइफ हियर, तभी भी ये जगह जो है ना, ये कंट्री जो है आपके लिए एक नंबर है। बहुत ही ज़्यादा बारिश और ठंड भी लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप दिख रहा है, लेट्स गो हियर, देखते हैं कैसा है। थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, ठंड में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो चलिए थोड़ा चलते हैं ऊपर कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं थोड़ा। वाह अलग, आई लव द वाइब। मैंने बहुत सारा अम्ब्रेला खरीदा जापान में, बट ये वाला सबसे बेस्ट लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये बटन है। ओह माय गॉड वन सेकंड, ये बटन दबाती हूँ ना तो ऐसा हो जाता है। तो ये सबसे मज़ा आया मुझे। That was refreshing, कॉफ़ी पी लिया। अभी मैं निकल गई हूँ बाहर फिर से और बारिश अभी तक नहीं रुकी। मैंने सोचा कॉफ़ी भी पी लूँगी और बारिश भी रुक जाएगा ऐसा सोचा, बट नो रेन विल नॉट स्टॉप। तो मैंने जितना हो सका व्लॉग किया, अभी बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई विल रिटर्न बैक फ्रॉम हियर। अभी मैं वापस स्टेशन की ओर जा रही हूँ। ये देखिए पचिनको एंड स्लॉट का जो है ना, पूरा इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग का रहता है, एंड यहाँ पे लोग बहुत पचिनको खेलता है। पचिनको इस गैम्बलिंग गेम्स हियर, यहाँ पर पैसा यूज़ करके बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स होते हैं वैसे खेलते हैं, बट एक्चुअली इट डजेंट शो, लाइक यहाँ पे इलीगल है ना गैम्बलिंग, तो इसलिए उन लोग क्या करता है पैसा यूज़ करके वो गेम जैसा खेलता है, बट वो जो जीतता है उसी को लेके फिर टक शॉप में जाके उसको एक्सचेंज करके वापस पैसा बना के ले लेता है, वैसा होता है। ये देखिए बहुत लग्जरी वाला भी पचिनको स्लॉट होता है, जैसे कसिनो होता है ना हमारे वहाँ पे इंडिया में, वैसे टाइप से होता है पचिनको स्लॉट यहाँ पर। ये देखिए ऐसा वाला तो आप लोग ने कोरियन मूवीज़ कोरियन ड्रामास में देखा है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है इज़ाकाया। यहाँ पर भी बहुत कल्चर है यहाँ का, मतलब ऑफिस करने के बाद लोग बैठ के चिल करते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं और डिनर करते हैं साथ में।
ओह माय गॉड सो क्यूट, यहाँ पे हर एक चीज इतना प्यारा होता है। ये देखिए ये इज़ाकाया के बाहर में ये दोनों अम्ब्रेला पकड़ के वेलकम कर रहे हैं। तो मैं अभी वापस जा रही हूँ। सब लोग ट्रेन से उतरते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन लगाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा लगता है सिस्टम जो है मुझे, क्योंकि कोई रश नहीं करता, जितना रश में होता है तो भी रश नहीं करते, एक दूसरे को बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। देखिए कितना क्राउड है, बाप रे, फिर भी इतना अच्छे से क्राउड मैनेजमेंट होता है। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ दूसरे सिटी पे, इकेबुकुरो पे आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हाउ सेफ इज़ जापान फॉर गर्ल्स एंड हाउ इज़ नाइट लाइफ हियर इन जापान। साथ ही साथ हम बिग कैमरा जो है एक्सप्लोर करेंगे, सिंस वी आर हियर इन इकेबुकुरो। तो इकेबुकुरो में जो है ना बिग कैमरा सबसे बड़ा वाला मिलता है, तो लेट्स एक्सप्लोर यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक सिटी। मैंने सोचा है लुई विटोन से मैं बैग तभी लूँगी व्हेन आई हैव बॉट माय ओन हाउस। इतना बारिश बारिश बारिश, ये मेरे लाइफ में पहली बार है जापान में इतना बारिश में ब्लॉग करके घूम रही हूँ। पीपल आर वेरी वेरी काइंड हम्बल, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जापानीज लोग। वाह, ये देखिए इकेबुकुरो रीयूज। तो अगर आपको गिटार, अपना गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार वगैरह ख़रीदना है ना, या से इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह, तो देर इज़ ऑप्शन हियर इन इकेबुकुरो। हाँ, तो मैं आप लोगों को कहानी बता रही थी अबाउट द नाइट लाइफ। तो एक बार क्या हुआ, तो हम गए थे नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए। तो हम लोग नाइट आउट में हम लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि वी बुक द कैराओके, हम लोग रात भर कैराओके गाना गाते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रेन मॉर्निंग को 5 बजे को ले लेते हैं। तो वन ऑफ माय कलीग शी वाज सो स्लीपी, इतना स्लीपी हो गए थे, मतलब हमने सब ने लास्ट ट्रेन लिया था, हमने सब ने अपने अपने घर लास्ट ट्रेन पकड़ के घर पहुंच गया था, बट माय फ्रेंड शी वाज सो स्लीपी, स्टेशन पे ही सो गई थी वो, लिटरली स्टेशन पे टॉयलेट पे सो गई थी वो, गर्ल्स टॉयलेट पे। एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वोक अप एंड शी फाउंड हरसेल्फ इन द टॉयलेट, एंड देन शी वाज लाइक ओ टॉयलेट पे ही सो गए थे, ऐसा रियलाइज किया। एंड इट्स टोटली सेफ है, लाइक ये मैं बात के बाद बता रही हूँ, जैसे इनके सबके साथ ऐसा हो गया जापान में और आप टॉयलेट पे ही सो गए या कहीं पे भी रास्ते पे सो गए, आप बिल्कुल सेफ हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी आके आपको मोलेस्ट कर लेगा या यू नो छेड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज़ जस्ट वन एग्जांपल आई वांटेड टू टेल यू गाइस हाउ सेफ इज़ जापान फॉर गर्ल्स। अपने अपने काम से लौट रहे हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस अबाउट दिस रेंटिंग थिंग। यू नो आप जैसे रेंट करते हो, फैमिली रेंट, फ्रेंड्स रेंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रेंट, जो भी है, यू नो इट्स टोटली सेफ हेयर। ऐसा नहीं है कि यू नो आप रेंट कर लिया और लोग आपके साथ बदतमीज़ बिहेव करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू गेट टू स्पेंड टाइम, क्वालिटी टाइम एज़ पर द बुकिंग यू हैव मेड, लाइक पर आवर का। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम चलते हैं जो मकसद से आए हैं उसके लिए। आप लोगों को ब्लॉग करके बताते हूँ यहाँ पर कैसा होता है शाम के समय। तो ये जो गर्ल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, दे आर स्टूडेंट्स बेसिकली, दिन को स्कूल जाते हैं और रात को उन लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसा कैफ़े होते हैं यहाँ पर, मेड कैफ़े और रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पर उन लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपना जो स्कूल का फीस, अपना जो भी पर्सनल ये है नीड है उसके लिए। और बहुत सारे लड़कियाँ जो है ना गांव-गांव से भी आते हैं और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मैं आई हूँ इकेबुकुरो स्टेशन, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। व्हाई मेजर रीज़न इज़ बिग कैमरा। बिग कैमरा जो है, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स ख़रीदना है जापान आके, एंड यू नो जापान इज़ क्वाइट फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जापान में टूरिस्ट लोग जो है ना बिग कैमरा के लिए आते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू बाय ड्रोन, आईफोन, टैक्स फ्री का सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है बिग कैमरा पे। तो ये देखिए बहुत बड़ा बिग कैमरा है,
तो जापान का सबसे बड़ा बिग कैमरा जो है यहाँ पर इकेबुकुरो पे है, और स्टेशन पे भी आपको गाना जो है बीकू 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 कैमरा ऐसा बोल के यहाँ पर इकेबुकुरो में सुनाई देगा। तो लेट्स एक्सप्लोर बिग कैमरा हियर, सबसे बड़ा वाला। आप लोगों को मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है बिग कैमरा पे। आईफोन भी अगर ख़रीदना है ना तो एप्पल स्टोर से नहीं ख़रीदना, बिग कैमरा से ख़रीदना। मैंने ये गलती किया था लास्ट टाइम जब मुझे 15 प्रो मैक्स ख़रीदना था और 15 प्रो ख़रीदना था, दो फ़ोन मैंने एप्पल स्टोर से ख़रीदा और मुझे टैक्स नहीं मिला, टैक्स फ्री नहीं मिला, एंड बहुत 50,000 येन का लॉस हो गया था मुझे, जैसे लाइक 35,000 रुपीज़ तक का लॉस हो गया था। तो बाद में पता चला कि बिग कैमरा से ख़रीदना चाहिए, टूरिस्ट के लिए टैक्स फ्री यहाँ पर मिलता है बिग कैमरा पे। तो ये गलती आप लोग ज़रूर नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपको एप्पल लैपटॉप मैकबुक जो है रीयूज़ वाला लेना है तो यहाँ पर भी होता है, प्राइस बता के रखा है 76,800 येन का ये मैकबुक एयर, मतलब अलग अलग प्राइस होता है, 87,800 येन, 1,01,800 येन ऐसा है। हेलो प्यारा, देखिए वेलकम कर रहे हैं यहाँ पर, ट्राइपॉड स्टैंड, फ़ोन का कवर, क्या नहीं है यहाँ पर, मतलब सब कुछ है। मुझे तो बताते हुए भी मुझे वो हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ, भी कैसे बताऊँ, सो मच टू बाय। बहुत प्यारा प्यारा है, यू नेम इट यू फाइंड इट हियर एवरीथिंग। देखिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ही ख़रीदने के लिए जापान आ रहे हैं ना तो सबसे पहले तो बिग कैमरा ही बाकी आना, इट्स लाइक हेवन, हेवन फॉर द पीपल हु वांट्स टू बाय एप्पल प्रोडक्ट्स या एनीथिंग रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉच, स्पीकर, सब कुछ। यहाँ पर बिग कैमरा जो है ना इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि मतलब क्या ख़रीदूँ क्या देखूँ ऐसा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आईफोन 16 सब आया हुआ है, वाओ। मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है बट 16 का मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। वन सेकेंड, ये वाला कलर, पिंक कलर, सो नाइस। वेदर चेंज हो गया एक्चुअली, समर के बाद यहाँ पर ऑटम आने वाला था लेकिन ऑटम आने से पहले पूरा बारिश आके अभी ऑटम आया नहीं है अभी तक। वेदर फोरकास्ट में दिखा रहे हैं कि दिसंबर को ऑटम आएगा जबकि दिसंबर को विंटर होता है, यहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। एक से बढ़कर एक क्यूट क्यूट मिठाई होते हैं ना, मतलब समझ भी नहीं आती। मैं ना यहाँ मैं 10 साल भी रह लूँगी ना तो भी आई विल नॉट फिनिश ईटिंग ईच एंड एवरी क्यूट स्नैक्स ऑफ यर ओकासी बोलते हैं जापान का, क्योंकि इतना एक से बढ़कर एक क्यूट 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 चीज़ें मिलते हैं ना, मैं क्या बताऊँ सीरियसली। तो आप लोगों को ये शॉपिंग ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बारिश हो रहा है इसलिए मैं बहुत मुश्किल से ब्लॉग किया हूँ। एनीवे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।